जब राज्य का चुनाव आएगा, देश का चुनाव आएगा, चलो हम तब देख लेंगे। सब हमने हिंदू मुस्लिम की सिखा देना और मंदिर के दर्शन दिखा देना, तुम तो वहीं बैठे हो। अभी तो मेरे क्षेत्र में जो नाली पानी सीवर जो घर के घर चमक रहा हो और बाहर नाली बह रही हो, घर के अंदर आ जाती हो मधु मर रहा हो, वो पहले थे और वो यही करेगा। आप सबसे निवेदन है, मेरी बातों में जरा भी सच्चाई लगी हो, कोई बनावटी बात मैंने ना मायावती की तरह हाथी वाले नहीं है जिनकी पैराइज ही बिना देखे एक शब्द नहीं बोल सकते, उनकी पार्टी में जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग क्या करेंगे जिन्होंने लंकर माफिया पहले भी लंकर के अंदर जो कमीशन खाने का चलन चालू है ना, वो मायावती जी की जो पार्टी है बसपा उसी ने चालू किया। पहले नहीं लगता था पैसा, कोई की तरह बना ले, आज वो हो गया कि आप किनके मंदिर बना रहे हो, कितना पैसा जमा करो, नहीं चले पूरा बेटो चले लगे। तो फिर मैं आशा करता हूँ कि माता और बहनों का मोहर लगेगी, मोहर लगनी चाहिए, मोहर लगेगी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मेरे माताओं और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जयगण भाई महाराज चारों का नाली का काम करेगा तो जयगण भाई करेगा, और सबको अपील कर रहा हूँ कि हाथ पर बटन दबाकर मोर लगाए। मैं जयगण भाई को कहूँगा साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरी माताएं बहनों और सबसे पहले जो हमारे शुक्रवार बैठे राम प्रसाद अंकल जी, शिव प्रकाश सैनी जी, सुरेश अंकल जी, नरोत्तम अंकल जी, हमारे भाई सचिन भाई, प्रमोद जितेंद्र अखिल अंकल, हमारे छोले वाले अंकल जी, चंद्र भाई, पंकज भाई, पदम अंकल जी, बलवान भाई, हरी भोली एम पी, स्वामी जी और जगदीश गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अच्छा काम की बात करेंगे, काम की पैसे जानते तो सभी होंगे मेरे को अच्छे से जानते हो। अच्छा ये बताओ, आज उठा के बताना राशन कार्ड किस किस के बने हुए हैं, किस से कांग्रेस ने, कौन सी पार्टी ने बनवाए थे, कांग्रेस ने, दादा देव हॉस्पिटल किसने बनवाया था, आज किसी की डिलीवरी होती है ना, किसी की डिलीवरी होती है, हड्डी एक पैसा नहीं हो सकता ना, सौ करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनवाया किसने, कांग्रेस ने। उस हॉस्पिटल के अंदर आज 8 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, अब भारतीय जनता पार्टी में बैठी है, एक एक्सरे की मशीन नहीं बन लगा भाई, गलत है मेरे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन है, उसके अंदर बनाने की मशीन है। अरे कांग्रेस ने तो 100 करोड़ का हॉस्पिटल बना दिया, अगले लोग 10 लाख रुपए की मशीन नहीं रख पाए, चाहे डूब मरने की बात है नहीं है। ये बच्चों मेरी बात है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे ना तो 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा पेट काट के बच्चा करवा देंगे, घर पर ही कम है 1 लाख रुपए का चार्ज लगाने का कितना होता है, और जो रेडी वाला पिटरी वाला रिक्शा वाला कहां से देगा 1 लाख रुपए का चार्ज, दे देगा कोई महीने के 2,000 रुपए, ये है कांग्रेस के काम, सही कहते काम
दिल्ली ने खंबे किसने काटे किसने काटे थे सड़क को लेके आया था ये चारा दल बोलते था ये कुल लेके आया था ये नाले बस पूरी गौर का पूरी अपनी सिंह अपनी लड़की करते थे किसने बनाया गलत तो नहीं कहा कुछ गलत क्या बताओ आज आज अभी करो तो हम गौर का पूरी मिलाते भाई साहब कहाँ से आओगे तो डाबड़ी रोड है गौर गौर के नाम से आते गौर का स्टैंड है और पलम डाबड़ी रोड पर है स्कूल है आज घर से निकलते तो सब सुविधा हमारे पास हमें दिल्ली के किसी भी कोने में जाना है तो सुविधा है ये लाल अली बस किसने चलाई तो केजरीवाल ने क्या कहना तुम लोगों का खुद बनाया था आठ महीने गर्मियों में तुम्हें तोड़ता है तो चार महीने तुमने कभी सच्चे राशन कमाए आएगा नहीं आएगा आठ साल से राशन कार्ड नहीं मिल रहे आठ साल से राशन कार्ड नहीं मिल रहे लेबर कार्ड कौन लेके आया था कांग्रेस दर्दी अदरक कौन लेके आया था कांग्रेस सेंट्रल स्कूल कौन ले आया अंतिम स्कूल कौन ले आया श्री फौरी के तो दो स्कूल है कौन ले गया सरकारी उनके अंदर टीचर कौन ले गया डिस्पेंसरी हॉस्पिटल के अंदर तो जो डॉक्टर है नर्स है उनको किसने भर्ती किया तो फिर इन्होंने क्या किया एक काम बता दो भाई दोनों में से बताओ वो एक काम बता दो बताओ ना सिर्फ फ्री पानी फ्री कमर सर का पुनः रोड कर दिया दुकानदारों का अरे पानी के लिए मुझे नहर बनाई थी श्रीमती शीला दीक्षित ने 2013 में भागीरथ का नारा गंगा का नारा कांग्रेस का नारा